लागी भोकनी हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरव सरकार और मैं प्रोफेशन से जादूगर हूँ, मैजिशियन हूँ और मैं बाय प्रोफेशन मेंटलिस्ट हूँ, मैं इल्यूजनिस्ट हूँ और मैंने बचपन से सीखा है ये सारी चीज़ें। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ बट अभी कुछ सालों से मैं मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में रह रहा हूँ। अभी रिसेंटली लखनऊ शिफ्ट हुआ हूँ मैं, 2 साल हुआ है मुझे मैजिक करते हुए 6 साल हो गए प्रोफेशनली। बट मुझे बचपन से मैजिक का बहुत ज़्यादा शौक था और जब मैं बहुत छोटा था मुझे याद है, मैं जब क्लास 5 में था तब लाइफ में पहली बार मुझे मैजिक के ऊपर एक इंटरेस्ट आया था कि मुझे मैजिशियन बनना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ट्रिक्स आते थे थोड़ी बहुत। तो एक बार की बात है, मैं पापा के साथ मेले में गया था, तो कुछ आपने देखे होंगे कुछ मेले में कुछ ट्रिक्स बॉक्स वगैरह आता है। पापा के साथ एक बॉक्स लेके आए थे, बड़े जीत करके पापा दिला नहीं रहे थे कि मैजिक है क्या है, हमने खेलेंगे लेके आए। जब लेके आए थे तो मैं वो छोटा सा मैजिक जो मेले का जो शॉपकीपर था वो भी उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। मैं 2 दिन बाद स्कूल में जाके मैजिक दिखाने लगा था और सब लोग इम्प्रेस हुए, यार ये इतने अच्छे से कैसे कर लेता। मैं चीज़ों पर बड़ा फोकस करता था, टाइम देता था, पढ़ाई साइड में रख दिया था उस टाइम, मतलब मैजिक करना। फिर उस टाइम मजाक में था, चीज़ें कर रहे थे और नए नए सीढ़िया अपने नाम सुने होंगे, मैजिशियन गोगिया पासा, हंस क्लॉक, डेविड कॉपरफील्ड, जब हम छोटे थे वो उस टाइम के सबसे बड़े मैजिशियन थे इंडिया में, केलाल, जादूगर पीसी सरकार एंड सम्राट शंकर, ये उस टाइम के सबसे पॉपुलर फेमस मैजिशियंस थे। तो मैं ना कुछ मैजिशियन की सीडी कलेक्ट करता था। उस टाइम तो ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था और कोई एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, बट कहीं कहीं से पापा के थ्रू इधर उधर ऑनलाइन बुक्स आते, लेटर्स आते थे, बाई कोरियर आता था। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े मेंटलिज्म के, कैसे किसी को माइंड को स्टील, किसी के माइंड को रोक के थोड़ी देर के लिए उससे कुछ बुलाया जा सकता है, छोटी छोटी चीज़ें मुझे आने लगा था, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से। बट उसके बाद पढ़ाई में चला गया, थोड़े दिन गैप हो गया मैजिक में। घर वाले चाहते नहीं थे कभी मैं मैजिशियन बनूँ, पापा तो स्पेशली मतलब पढ़ना है और ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद तुम्हें कुछ बन जाओ, कुछ अच्छे जाओगे, ISPCS बनोगे, कुछ और बनोगे, मतलब घर वाले लिटरली कोई सपोर्ट नहीं मिला। और मैजिक में मैं जारी रखा खुद को, नई नई चीज़ें सीखते गया। मुझे भी पता नहीं था कि मैं मैजिशियन बन पाऊँगा नहीं पाऊँगा, घर का मुझे प्रॉपरली सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट एक बार घर पे एक बार मैंने पापा के सामने ये बात रखा कि यार मुझे मैजिशियन बनना है, पापा मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे आता है, मैं मैजिशियन बन सकता हूँ, मुझे मैजिशियंस के लाइफ भी बहुत पसंद था एक्चुअली। इतने मैजिशियंस होते थे, स्टेज में परफॉर्म करना है, सामने ऑडियंस होंगे, कितना प्यारा लगता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो पापा ने उस बार से ही मम्मी से बोलना स्टार्ट किया कि आप इसका मैजिक करवाना बंद करवा दो, क्योंकि हमें लग रहा है ये पढ़ाई वढ़ाई करेगा नहीं और किसी में इंटरेस्ट है नहीं, ये करेगा मैजिक। तो मेरे को लगा यार बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे, तो किसी रीज़न के वजह से घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होना स्टार्ट हो गए, मम्मी कुछ बोलने लगे, पापा कुछ बोलने लगे, किसी को पसंद नहीं रात में घर से बाहर रहना 10-11 बजे के बाद। मैं मैजिक सीखता था, मेरे फ्रेंड सर्कल आर्टिस्ट वाला हो गया था, डांसर, सिंगर, मैजिशियन, मैं बाहर जाने लगा जीत करके। मैं बचपन में पहला शो किया था अपने स्कूल पे, तो मैंने 3 रात जगे थे, मतलब अपने एक्ट को ठीक करने के लिए मैंने 3 रात जग के मैंने एक छोटा सा एक्ट बनाया 8 मिनट्स। तो वो पहली बार मैं स्कूल में बहुत घबराहट हो रहा था, मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स में अच्छा था, तो पहली बार स्कूल में मैंने परफॉर्म किया अपना मैजिक। पहली बार मुझे फील हुआ ना कि मैं आफ्टर शो, मतलब जितने स्कूल में लड़कियां थी लड़के थे, मतलब अलग ही वोकाल, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब
स्कूल में किसी को मैजिक आता नहीं है, डांस सिंगिंग तो सबको आता है, मैजिक मैं लौता था जिसको मैजिक आता था. मतलब उस दिन के बाद से अपने रौला हो गया था, मतलब सब लोग अलग से इज्जत देना, भाई यार सौरभ सौरभ है. तो मज़ा आने लगा कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ. तो मुझे अंदर से ना थोड़ा और मोटिवेशन मिलता था कि मुझे करना है और अच्छा करना है. बहुत प्रैक्टिस करते थे, एक एक कॉइन लेके मैंने एक साल तक प्रैक्टिस किया, दिन रात मेरे कॉइन साथ में चलते रहते थे. मतलब घर वाले भी परेशान हो गए, मम्मी के बहुत सारे थाली वगैरह तोड़ा, मैं जगलिंग करता था, घुमाता था बॉल, सब खाने वाने में जाके गिर जाता था. मैंने जगलिंग भी आता है मुझे बेसिकली. और उसके बाद जब बड़े हो गए, फिर पापा को करना था अपना पढ़ाई और जॉब एंड ऑल, गवर्नमेंट जॉब. बट मैं तो चाहता नहीं था, कि मुझे तो आर्टिस्ट ही बनना था और बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं था. मतलब मुझे लगता था मैं तो जॉब कर ही नहीं सकता, मुझे कोई आके बोलेगा कि ऊपर, अरे तेरे को ये करना बाबा तूने ये गलती किया, वो होता ही नहीं है. मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं था तो कैसे करेंगे. तो फिर जब बड़े हुए तब पहली बार लाइफ में कि प्रोफेशनली शो करेंगे, पता किया कि जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं वो पेमेंट कैसे लेते हैं अपने शोज़ के, मतलब उनको पैसा वगैरह कहाँ से मिलेगा. शो करेंगे इतने अच्छे, मैं मैजिक में बहुत इन्वेस्ट भी है. जब आप अच्छे म्यूजिशियन बनोगे, अच्छा कुछ करना चाहोगे, तो आपको उसके जो प्रॉप्स होते हैं, प्रैक्टिस तो स्किल वो बात की बात है, पहले आपको प्रॉप्स परचेस करने पड़ते, ठीक है. और मैंने पापा से पैसे मांगते थे, कमाते तो थे नहीं पापा के होटल में, तो जो देते थे वो मंगवा लेते थे पैसे बटोर बटोर के. तो फिर मेरे को लगा कि पेमेंट्स आना चाहिए, अच्छा म्यूजिशियन कैसे बनूंगा. घर भी छोड़ दिए थे, कलेश हो रहा था. मैं चला गया था दिल्ली, कलकत्ता से सीधा दिल्ली गया. मैंने रोहिणी में दिल्ली में एक जगह रोहिणी पे मैं लाइफ में पहला शो किया था. और वहाँ पे मतलब जब मैंने शो किया ना, तो मेरा मुझे लगा कि मेरा हिंदी ठीक नहीं है, मैं बंगाली हूँ और थोड़ी बहुत इंग्लिश तो ठीक था ही, बट हिंदी बहुत ही ख़राब, आज भी ख़राब है. तब मैंने सोचा कि मैं अभी किसी म्यूजिशियन के पास कुछ दिन जॉब करूँ. मैंने सच उस टाइम मैंने अपने शो छोड़ के मैंने एक म्यूजिशियन थे सम्राट शंकर, मैंने उनके पास 3-4 महीने जॉब किया. जैसे कि वो इंडिया के बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, तो मैं उनके कंपनी में घुसा था एज ए स्टेज आर्टिस्ट. और फिर धीरे धीरे उनका पीए बन गया था, फिर कंपनी में अच्छा खासा मेरे स्टेज में अच्छा चल रहा था मेरा. तो वहाँ से मुझे नॉलेज मिला कि एक मैजिक शो चलते कैसे. चलता रहा, उस बीच मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल गए. मतलब मेहनती था, एकदम लग जाऊँगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं. मिल गए पहले एक दो शो, बहुत मतलब किया, कैसे बुकिंग्स वुकिंग्स आए किया. मैंने ग्रेटर नोएडा में शो किया, सेक्टर 11 वगैरह नोएडा वगैरह में शो आ जाता था. दिल्ली में अप्पू घर, अपने नाम सुनाऊंगा, अप्पू घर में मेरे को एक शो आया था, एक सिंगल शो. तभी मैं खुद डरता था कि अकेले जाऊंगा तो शो खराब हो जाएगा. एक कोई मैजिशियन पकड़ के लेके जाता था, भाई आधा शो तुम, आधा शो मैं करूँगा. मेरे को ना दिल्ली में बहुत मैजिशियंस थे, मैं तो भाई नया, मैं एकदम नया, और मेरे को बनानी थे नाम बहुत जल्दी. मुझे कुछ ऐसा करना था, मतलब मेरे को शोज मिले, बड़े शोज मिले, अच्छे अच्छे शो करने मेरे को, और मुझे नाम चाहिए वो सेलिब्रिटीज के साथ परफॉर्म करने. मेरे को सबसे खूबसूरत जगह लगा लखनऊ. मैं दिल्ली छोड़ के लखनऊ, अब लखनऊ में रहकर पिछले 3 साल के अंदर, प्रोफेशनली तो 6 साल हो गए करते हुए, बट 3 साल के अंदर मैंने एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म किया. मैंने नेहा कक्कर, मैंने मोनाली ठाकुर, मैंने सुखी, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स, उनके भी कॉन्सर्ट होते थे, उनके साथ मेरे भी कॉन्सर्ट हुए, शो हुए. मैंने जावेद अली, मैंने कुछ मूवीज़ के प्रमोशन शो में भी शो किया मैंने अपना. बाकी जितने कॉरपोरेट इंडस्ट्री है, जितने मेडिसिन कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी, यूनिसेफ और रेडिगुरा फार्मास्यूटिकल, ये सब कंपनी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा डीलर्स मीट एंड उनके लिए बहुत सारे शोज़ किए. मैंने सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक, आपका एसीसी सीमेंट, आपका प्रिज्म सीमेंट, बहुत सारे सीमेंट्स के लिए मैंने परफॉर्म किया, बहुत सारे अच्छी कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लिए मैंने परफॉर्म किया. तो एक्सपीरियंस बढ़ता गया, शो पॉलिश होते गए, शो अच्छे होते गए. और एक आर्टिस्ट तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है, अनलिमिटेड होते हैं, आपको भी पता. आप छोटे छोटे मैजिक को उसको प्रैक्टिस करो, स्किल बनाओ. आप सोचो कि आप मैजिक दिखा पाओगे कि नहीं पाओगे, ये आपके लायक है कि नहीं है, है ना. तो आपको अगर लगता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट जा रहा है, आप वो चीज़ें कर पा रहे हो, पहले खुद को देखना. तो एक डांसर, सभी सोचते हैं मैं डांसर बन जाऊँ, लेकिन डांसर कुछ लिमिटेड लोग बनते हैं ना, जो
खुद को देख पाता कि मैं डांस कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी साथ दे रहा है, मेरे उतना अंदर जोश आ रहा है, मैं करूँ, हार्ड वर्क करूँ डांस को लेकर। वैसे मैजिक में भी अगर आपको आता है ना इंटरेस्ट, आप जब छोटी छोटी बेसिक सीखोगे ना तो आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगे। यूट्यूब एक बहुत डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, आप यूट्यूब का सबसे ज़्यादा सहारा लो। और बहुत सारे मैजिशियन है यार वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, सच बता रहा हूँ बहुत सारे लोग थोड़ा सा पैसे वगैरह लेते हैं और स्किल देते भी नहीं है। और सारे बच्चे हैं आजकल के, सबके पास तो पैसे होते नहीं है। आपको मैजिक सीखना है, वापस से पूछोगे कि अब मेरे को 5000 रुपये चाहिए, वर्कशॉप अटेंड करना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो घर वाले भी अफोर्ड नहीं करते यार। कुछ ISP से सबको अलग ही शौक होता है। आर्टिस्ट बनना है तो खुद से इंटरनली उस भावनाओं को निकालो, सबसे पहले यूट्यूब वगैरह का सहारा लो, मैजिशियनों से दोस्ती करो, हो सके ऑनलाइन बातें करो, पूछो कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ, कोई भी मैजिशियन हो अच्छा मैजिशियन की प्रोफाइल देखो, उनसे बात करो कि सर मैं मैजिक सीखते हैं तो छोटे मोटे टिप्स दीजिए सर मैं ये वो। जो बड़े मैजिशियन है लाइक बसंत सैक, हसन रिजवी, ये सब मेहनती मैजिशियन है जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट और बड़े बड़े रियलिटी शो में आए हैं, और रजत नरसिम्हा कलकत्ता से, और तेजस मलोडे, तो ये सब अच्छे मैजिशियन है। ऐसे मैजिशियन गूगल में देखो जिसका रिव्यू अच्छे, चीज़ें अच्छी, उनसे बात करो, वो लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छे मैजिशियन का वर्कशॉप जाके आप अटेंड करो, है ना। तो अच्छे मैजिशियन अपनी रेपुटेशन ऑब्वियसली अच्छी चीज़ आपको सिखाएंगे, आपसे अगर 5000 10000 2000 3000 जिसका जो फीस है वो लेके अगर आपको सिखाएंगे ना, आपको एक बेसिक सिखा देंगे कि ऐसे आप मैजिक इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। Doggy, don't come in.